स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके इस चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 6.2 जो आपका एक्सरसाइज 6.2 है, इसके अगले पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 2 की बात करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो की अगर हम बात करें तो इससे पहले जो हम लोग वर्धमान और ह्रासमान इन सब चीजों के बारे में अच्छे से समझ चुके थे, ठीक है। तो जो बच्चे पहला वीडियो नहीं देखे हैं इस चैप्टर का, क्योंकि हम आपको बार बार बोलते हैं कि कोई भी नया चैप्टर अगर आपका स्टार्ट हो तो चैप्टर के स्टार्टिंग में सभी बच्चों का होना मस्ट है, क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें यानी कि बहुत बेसिक से आपको बताई जाती है, ठीक है। जो चीजें अगर आप ये सोचें कि हम इसको बुक से देख लेंगे तो ये जो चीजें कल आपको बताई गई थी वो चीजें आपके बुक में नहीं है, ठीक है। वो सब चीजें आप बुक में नहीं पाओगे, तो इसीलिए जो है जो भी बच्चे उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा इस ये क्लास खत्म होने के तुरंत बाद, ठीक है। चलिए, कल जो हमने पढ़ाया था उसको थोड़ा सा हल्का सा हम आपको रिवाइज कर दे रहे हैं, फिर जो है आज के इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने बताया था कि कोई भी फंक्शन ह्रासमान कब होगा, वर्धमान कब होगा, ठीक है, यानी कि कब वो इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा, इसके बारे में बात किया था। तो जैसे मान लीजिए हमने ये बताया था, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, ये कोई फलन है, ये कोई फलन है, ठीक। अब यहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं एक्स बराबर ए, और यहां पे हमने कोई पॉइंट ले लिया एक्स बराबर बी, ठीक है, एक्स बराबर बी, या इधर हमने पॉइंट ले लिया एक्स वन, इधर कोई पॉइंट ले लिया एक्स टू, ठीक है। अब इस एक्स वन पॉइंट को यहां से हम मिला दें, यहां से मिला दें, तो यहां से मिलाने के बाद हमको क्या मिलेगा, देखिए, ठीक है, इसको y के साथ भी मिला दीजिए, तो ये हो गया आपका क्या है x1, ये f ऑफ x1 हो गया, और ये कौन सी लाइन है आपकी x2, तो ये हो गई आपकी f ऑफ x2, ठीक है। यहां पे क्या दिख रहा है, x1 का मान x2 से क्या है, बड़ा है, x1 का मान x2 से बड़ा है, यानी कि f ऑफ जो आपका x1 है ये छोटा है किससे, x2 से। लेकिन इन दोनों मानों पे फंक्शन का मान अगर देखा जाए तो फंक्शन का मान उल्टा, यानी कि f ऑफ x1 का मान x2 से बड़ा, क्योंकि ये ऊपर है इसके, तो f ऑफ x1 का मान f ऑफ x2 से क्या है, ज्यादा है। यानी कि अगर ये कंडीशन मिल जाए कि x1 x2 से कम है और मान जो है x1 पर ज्यादा आ रहा है x2 पे कम आ रहा है, तो ये जो फलन है हमारा क्या होगा, ह्रासमान फलन होगा, कैसा, ह्रासमान फलन, यानी कि डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन, ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर इसी का जस्ट उल्टा, इस प्रकार से इसी का जस्ट उल्टा इस प्रकार से कोई फंक्शन है, यहां पे हमने कोई पॉइंट लिया x1, यहां पे कोई पॉइंट लिया x2, ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे अगर हम चेक करें, ये आपका f ऑफ x1 हो गया, ये आपका f ऑफ x2 हो गया, ये f ऑफ x2 हो गया, यहां पे क्या है, x1 का मान कम है किससे, x2 से, लेकिन फंक्शन का मान अगर देखा जाए f ऑफ x1 भी कम है किससे, f ऑफ x2 से, f ऑफ x1 भी कम है f ऑफ x2 से, यानी दोनों साइन एक जैसे हैं, इसमें दोनों साइन उल्टे हो गए, इसमें दोनों साइन उल्टा हो गया, इसमें दोनों साइन एक जैसा है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, वर्धमान हो गया, क्या हो गया, वर्धमान फलन, यानी कि इंक्रीजिंग। और एक तरीका और हमने आपको बताया था, अगर ये कोई फंक्शन आपका y इक्वल टू f ऑफ x है, ये भी आपका y इक्वल टू f ऑफ x है, तो हमने कहा इसको y के सापेक्ष, जो y है इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दे, यानी इसका dy by dx निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा f डैश x। अगर इसका मान लेस देन जीरो आ गया, लेस देन जीरो आ गया, तो फलन हमारा क्या हो गया, ह्रासमान हो गया। और अगर इसका मान dy by dx इक्वल टू f डैश x, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, जीरो से ज्यादा आ गया, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताएं, वर्धमान, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गए। चलिए अब इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं,
उसके बाद जो हमने आपको कल होमवर्क दिया था उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, हो गया। चलिए अब देखिए, जैसे अगर हम कोई दे दें कोई फंक्शन f ऑफ x बराबर हम दे दें 4x प्लस 5, ठीक है, 4x प्लस 5 सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x देखो किसका फोन है, वर्धमान है, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x हमारा क्या है, वर्धमान है। तो वर्ध ऑफ x इसका मतलब क्या दिया हमें, y बराबर f ऑफ x कितना है, 4x प्लस 5। हमने क्या तरीका बताया, इसको क्या करो x के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अगर इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, dy by dx इक्वल टू d by dx, ये कितना है 4x प्लस 5। अवकलन तो सबको आता होगा, इसका अवकलन करोगे कितना मिलेगा 4, और ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है ना, तो अगर 0 से बड़ा हमने कहा, 0 से बड़ा अगर मिल गया तो समझ लो फंक्शन हमारा क्या है, अतः फलन वर्धमान है यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। दूसरा मेथड देखिए, इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मेथड टू। हमने क्या कहा, किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए, जैसे अगर किसी भी अंतराल में, जैसे मान लो यहां पे कुछ नहीं दिया, सिद्ध कीजिए कि फलन हमारा वर्धमान है, ठीक है। अगर कोई इंटरवल देता ए बी, तो हम दो मान लेते, एक एक्स वन और एक एक्स टू, माना x1 less than x2, यानी कि x2 का मान x1 से बड़ा, ये हम मान लिए। जहां x1 x2 ये बिलोंग कर रहे हैं कहां, रियल नंबर में। अब यहां कोई अंतराल नहीं दिया, तो यानी जहां कोई अंतराल नहीं होता वहां रियल नंबर होता, ठीक। अब सीधे से वापस आओ फंक्शन की तरफ, फंक्शन में क्या दिया रखा है, क्या दे रखा भाई, बोलिए क्या दिया हुआ, 4x, यहां पे सिर्फ x है, तो दोनों तरफ 4 से गुणा कर दो, इसको देखते हुए इसके अकॉर्डिंग इसका काम किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें 4 से गुणा कर दो, तो 4x1 less than 4x2, कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी ना कोई दिक्कत। इधर क्या प्लस 5 है, 5 जोड़ दो दोनों तरफ, ठीक है, 4x1 plus 5 less than 4x2 plus 5। अब ये क्या है, x, ये f of x, यहां x है, अब x की जगह x1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, f of x1 होगा less than f of x2 हो गया। तब देखिए साइन दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, यानी कि f of x1 का मान, ठीक है, f of x1 का मान f of x2 से क्या है, कम है, अतः ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, फलन हमारा क्या है, वर्धमान है। तो दोनों तरीके से प्रूफ हो चुका ये क्वेश्चन। तो अब जो मेथड आपको आसान लगे उन तरीकों का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, बोलिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन हम आपका करवा दिए थे, पार्ट नंबर ए जो है आपका हो चुका था, तो चलिए अब हम पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए ए बी में, यानी कि अब यहां पे अंतराल दे दिया है, ए बी में हरासमान है, एफ जो है हरासमान है कि एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना एक्स वन लेस देन एक्स टू, जहां पे ये एक्स वन और एक्स टू जो है हमारे, ये बिलोंग कर रहे हैं किस इंटरवल में, ए बी में, कहां बिलोंग कर रहे हैं, इस दिए गए इंटरवल में, ठीक। बात समझ में। अब फिर मीन वैल्यू थ्योरम से हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन बटे, मेन वैल्यू थ्योरम यही होती है हमारी,
एक्स टू माइनस एक्स वन ये होता है एफ डैश सी के बराबर, लेकिन इसको हम कल डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख दिए थे कि एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन ठीक है इक्वल टू एफ डैश सी इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर हम बात करें क्वेश्चन में कुछ दिया है एफ डैश एक्स, अगर एक्स की जगह हम सी रख लें तो इसका मतलब क्या है, दिया हुआ है एफ डैश सी जो है वो जीरो से कम है ठीक है, एफ डैश एक्स जो है ये लेस देन जीरो है, अतः ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन। अब यहां पे देखो इसका मान जीरो से कम है यानी कि माइनस में है, इसका मान जीरो से कम है इसका मतलब नेगेटिव है, और ये एक्स टू माइनस एक्स वन यहां क्या माना गया है एक्स टू छोटा है एक्स वन छोटा है एक्स टू बड़ा है, तो जब बड़े में से छोटा घटाओगे तो प्लस में मिलेगा, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस का गुणा करोगे क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि लेस देन जीरो, यानी कि क्या आ गया लेस देन जीरो, क्या आया लेस देन जीरो। तो ये क्या इंप्लाइज किया, ये इंप्लाइज किया एफ ऑफ एक्स टू लेस देन एफ ऑफ एक्स वन ठीक, चिन्ह उल्टा मिल गया, देखिए यहां पहले एक्स वन है यहां पहले एक्स टू आ गया ठीक। तो अतः दिया गया जो फलन है वो हमारा क्या है ह्रासमान है, हम लिख सकते हैं अतः एफ जो है वो हमारा क्या है ह्रासमान है ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बोलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए तीसरे के लिए क्या करेंगे, यहां पे यहां तक तो बिल्कुल सेम आएंगे, यहां तक क्या आएगा ये किसका है ये मीन वैल्यू थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम से ठीक है माध्यमूल परमेश ठीक है मीन वैल्यू थ्योरम से ये चीज लिखा गया है। अब यहां तक तो हम सेम आएंगे, यहां पे दिया है एफ डैश तीसरे कंडीशन में ये गलत टाइप हुआ है ठीक है यहां पे मिस्टेक है टाइपिंग में, टाइपिंग में मिस्टेक है, अब ये सही हो गया ठीक है x होगा यहां बराबर होगा ठीक है f डैश x बराबर जीरो दिया, तो इसकी जगह जब जीरो रखोगे तो जीरो से किसी भी संख्या में गुणा करोगे चाहे वो माइनस हो या प्लस हो तो पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा जीरो, तो जब इसके बराबर आ जाएगा जीरो तो f x1 बराबर f x2 यानी कि फलन हमारा ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है बल्कि ये क्या है अचर फंक्शन है यानी कि कांस्टेंट फंक्शन है, कैसा फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन है ठीक है। बात समझ में आ गई, ये तीनों थे आपके परमेय, इसी के आधार पर हम पूरे क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न ठीक है। चलिए प्रश्नों पर बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ जरूरी बातें, उसको थोड़ा सा गौर देखिए ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए जितने भी बच्चे इस क्लास को लाइव देख रहे हैं ठीक है, सभी बच्चे अगर अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्यों, क्योंकि हर एक बैच ठीक है यानी कि हर एक सब्जेक्ट आपको इस बैच के अंदर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हर एक सब्जेक्ट का नोट्स, पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको इस बैच के अंदर एक सीक्वेंस में यानी कि एक अरेंजमेटिक फॉर्म में मिल रहा है, और जिससे और यहाँ पे हर बैच के अंदर हर एक चैप्टर का आपको स्मार्ट क्लास नोट्स ठीक है उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, लास्ट तीन साल के पेपर, मॉडल पेपर, ये सब कुछ आपको इस बैच के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इस बैच की बेटा अभी जो प्राइज है वो सबसे कम प्राइज है, मिनिमम प्राइज है 999 रुपये और 100 रुपये छूट के लिए ठीक है, 100 रुपये छूट के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं संजीव सर, अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं संजीव सर ठीक है, ये आपका कूपन कोड है, इस कूपन कोड को अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये फीस जो है 100 रुपए की कम हो जाएगी यानी कि 899 रुपए में, ये जो है बैच आपको पड़ेगा 899 रुपए में। एक दूसरा कूपन कोड है, दोनों में से जो आपकी दिली इच्छा हो दोनों में से वो यूज कीजिए ठीक है, एक में बीच में स्पेस है एक में बीच में स्पेस नहीं है ठीक है, तो ये दो कूपन कोड हैं, ये कोड यूज करें। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ,
और अगर कहीं पेमेंट करने में कोई दिक्कत कोई समस्या आ रही है तो इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए पूछा गया है दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ, दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स, जहां एक्स बिलोंग कर रहा कहां रियल नंबर में आर में, आर पर क्या है वर्धमान है, वर्धमान है यानी कि ये क्या है इंक्रीजिंग है, क्या है इंक्रीजिंग है। ठीक, तो अब इसे हम कैसे दिखाएंगे कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, चलिए देखते हैं। हमने क्या कहा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आपको क्या करना होगा सीधे सीधे इसका अवकलन कर लीजिए। इस एफ ऑफ एक्स इसका मतलब क्या है वाई बराबर होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स। ठीक है, अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखिए dy by dx dy by dx equal to dy by dx equal to इसका क्या हो जाएगा 3x square, इसका क्या हो जाएगा यहां पे 6x plus 4, 6x plus 4। ठीक है, अब आप x का कोई भी मान, x का कोई भी मान रियल नंबर का मतलब होता है ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी मान इसके अंदर रख कर देखें अगर ये पॉजिटिव आता है। ठीक है, अगर ये एक्स के हर एक मान के लिए ये अगर प्लस आया धनात्मक आता है तो ये समझ लीजिए कि ये दिया गया फलन जो है वो हमारा क्या है वर्धमान है। तो अब कैसे चेक करेंगे, यहां पर एक्स बराबर आप एक रख के देखिए, एक रखिए एक्स बराबर, ठीक तो एक रखोगे तो क्या मिलेगा तीन माइनस छ, एक्स बराबर अगर आप एक रखोगे तो एक का वर्ग होगा एक ही तो तीन इंटू एक माइनस छ प्लस चार, चार तीन सात यानी कि एक, ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, क्या आ गया ग्रेटर देन जीरो आ गया, बोलिए आया ना ग्रेटर देन जीरो। अच्छा ये तो हो गए एक्स के पॉजिटिव के लिए, दिक्कत आएगी एक्स के रेड़े माइनस के लिए तो माइनस वाला भी रख के देख लो, अगर माइनस एक रखोगे तो माइनस एक का वर्ग करोगे प्लस एक और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के लिए ये तो प्लस है ही है, माइनस के लिए ये प्लस है तो यानी कि ये ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के हर एक मान के लिए इसका मान जीरो से ज्यादा आएगा। ठीक है, आप कोई भी मान उठा के रख लो, अगर हम मान लो चलो माइनस तीन रख के देख लेते हैं तो माइनस तीन का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा तीन और तीन त्रिका नौ, माइनस तीन बुढ़े माइनस तीन प्लस करना हो गया और यहां माइनस तीन रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस छ इंटू माइनस तीन प्लस चार। अब देखो नौ त्रिक सत्ताईस माइनस माइनस प्लस छह त्रिक अठारह और प्लस चार, पूरा नंबर प्लस में, पूरा नंबर प्लस में ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो आ गया, ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो आ गया। ठीक है, अतः दिया गया फलन हमारा क्या है वर्धमान है। अब यहां पर आप लिखेंगे अतः दिया गया फलन वर्धमान है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, अच्छा एक और तरीका हम आपको बता दे रहे हैं वर्धमान और ह्रासमान चेक करने का। चलिए जो आया है जो dy by dx आपका निकला है dy by dx बराबर जीरो कर दो, dy by dx बराबर जीरो कर दो, क्या मिला इसका मतलब क्या हो जाएगा 3x square minus 6x plus 4, 6x plus 4। ठीक, अब देखो यानी कहने का मतलब यहां से ये हमको मिल गया 3x square minus 6x plus 4 बराबर जीरो, ये द्विघात समीकरण दिख रहा है, x का मान निकाल लो तो 3x square ठीक माइनस चार तीन बारह
इसको ऐसे दो पार्टों में तोड़ो कि गुणा करें तो 12 आ जाए और अगर जोड़ें या घटाएं तो 6 आ जाए, ठीक है। चलिए ऐसे दो पार्ट में इसको 6 को ब्रेक करो, ऐसे दो पार्ट में तोड़ो कि अगर गुणा करो तो कितना आ जाए, 4 तिहाई 12, 12 आ जाए, ठीक है। 4 दुनिया 8, 4 तिहाई 12, 12 आ जाए और इसको जोड़ें या घटाएं तो क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसका क्या मान निकाल सकते हैं भाई? नहीं समझ में आ रहा तो सीधे सीधे धरा 4 लगा दो। एक्स बराबर माइनस बी 6 प्लस माइनस अंड वी स्क्वायर, वी का मान कितना, 6, 6 चौक 36, माइनस 4ac, माइनस 4, 4ac, ठीक है, माइनस 4ac। ए का मान कितना, 3, तो 4 3 12, 12 चौक 48, 4 3 12, 12 चौक 48। ये तो निगेटिव में आ रहा है यार, 6 6 36, वी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 12 चौक 48 अपान 2a, अपान 2a, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान निकला नहीं, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर इमेजिनरी आ जा रहा है, और इमेजिनरी आ गया तो इसका ये मान निकलेगा नहीं, यानी इसे हम रियल नंबर लाइन पे दिखा नहीं सकते, ठीक है, इस x को नंबर लाइन पे दिखा नहीं सकते। चलिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जिसको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं तो वो तरीका हम आपको बताएंगे, फिलहाल जो है ये सबसे बेस्ट तरीका है। और ये इंटरवल यानी कि अंतराल ज्ञात करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, तो अंतराल ज्ञात करने के लिए जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो वहां ढंग से क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका पूर्ण वर्ग नहीं, सॉरी पूर्ण वर्ग नहीं, यहाँ पे एक्स का जो वास्तविक मान नहीं निकल रहा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम है, तो अगर 0 से कम है तो मूल हमारे काल्पनिक होंगे, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो जब मूल काल्पनिक होंगे तो मूल निकलेगा नहीं, तो जब मूल निकलेगा नहीं तो इसको हम नंबर लाइन पर दिखा नहीं पाएंगे, ठीक। चलिए कोई बात नहीं है, अभी एक आध क्वेश्चन आगे मिलेगा, ठीक है, इस टाइप का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन, सीओ जरा पानी दो। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन एफ ऑफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन एफ ऑफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स 0 से पाई में ह्रासमान है, पाई से 2 पाई में वर्धमान है, और 0 से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। हमने क्या कहा, क्या दिया हुआ है, y इजकल टू एफ ऑफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा हमको, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। क्या अंतराल दिया है, 0 से पाई, 0 से पाई, तो साइन एक्स की अगर हम बात करें, साइन एक्स की बात करें तो साइन का मान 0 से पाई तक, साइन का मान 0 से पाई तक, ठीक है, बढ़ता है, साइन का मान 0 से पाई तक क्या होता है, बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, फिर घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर हम साइन की ग्राफ देखें, ये होता है साइन का ग्राफ, ठीक है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, तो यहां से यहां तक साइन का मान पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यहां पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव है, और माइनस पहले से ही है, ठीक है। यानी कि साइन साइन एक्स, ठीक है, ये ग्रेटर देन होगा 0 से, ठीक है, 0 से बड़ा होगा कहां, 0 से पाई तक, लेकिन भैया यहां पे माइनस लगा हुआ है, क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है, ठीक, क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस लगा हुआ है, और माइनस जहां रहता है इनइक्वालिटी का साइन तुरंत बदल जाता है, जैसे समझिए बात को, जैसे कहीं लिखा हुआ है -5, जैसे ये लिखा 5 ग्रेटर देन 4, 5 का मान 4 से बड़ा है, अगर माइनस लगाए तो चिन्ह तुरंत उलट जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, तुरंत उलट जाएगा, ठीक है। अब -4 क्या है, बड़ा है किससे, -5 से, माइनस वाली संख्या जितनी ज्यादा छोटी होती है उतनी बड़ी होती है, ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो उसी तरीके से यहां पे ये क्या हो गया, हमारा लेस देन 0 आ गया, जब लेस देन 0 आ गया तो ये दिया गया फलन जो है इस इंटरवल में क्या है, ह्रासमान
आसमान है। आगे आ जाओ, यहां पे देखो जो ग्राफ के ऊपर यानी एक्स के ऊपर जितना पार्ट है ये आपका प्लस होता है, नीचे आपका माइनस होता है। तो जीरो से लेके पाई तक का पूरा पार्ट ऊपर है और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो जीरो से कम हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें, जीरो पाई से टू पाई, पाई से टू पाई, यहाँ पे नीचे निगेटिव आ रहा है और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जीरो से टू पाई में क्या हो जाएगा, वर्धमान आ जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस साइन एक्स, ये ग्रेटर देन जीरो होगा कहां, पाई से टू पाई, पाई से टू पाई के बीच, ठीक है, पाई से टू पाई के बीच ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और फिर अगला कह रहा है जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई तक आ जाओ, यहां से यहां तक देखिए एक बार बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, तो अगर इस तरीके का कोई फंक्शन मिल जाए, ठीक है, तो हमने क्या बताया कि ना तो ये ह्रासमान है और ना ही ये वर्धमान है, ठीक है, तो तीसरा भी हमारा प्रूफ हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखी होंगी कि साइन का मान कहां से कहां तक प्लस होता है, कहां से कहां तक माइनस होता है, साइन का मान कहां से कहां तक बढ़ता है, कॉस का मान कहां से कहां तक बढ़ता है, टैन का मान कहां से कहां तक बढ़ता है, ये कुछ चीजें हैं जो हम आपको कल लिखवा देंगे जिससे आप उन सभी चीजों को याद कर सकें, ठीक है, और आप उसको ठीक है क्वेश्चन में आसानी से उसका उपयोग कर सकें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें, अब देखिए वो अंतराल वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, हमें अंतराल निकालना है। चलिए तो कुछ भी करना हो सबसे पहला सिंपल काम है कि इसको डिफरेंशिएट करो, y बराबर क्या दिया है, f ऑफ x, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, इसको डिफरेंशिएट कर दो dy by dx, क्या मिलेगा 2x माइनस 4, ठीक है। हमने कहा अंतराल ज्ञात करने के लिए तुरंत इसको जीरो कर दो, तो dy by dx बराबर अगर आप जीरो लोगे तो ये क्या इंप्लाइज करेगा 2x माइनस 4, ठीक है, 2x माइनस 4 बराबर 0, तो यहां से क्या हो जाएगा x बराबर क्या मिलेगा हमको, x बराबर 2, ठीक है। नंबर लाइन पे इसको रखो, नंबर लाइन पे रखो, ये x बराबर क्या है 2, x बराबर क्या आ गया 2, इधर क्या आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो x बराबर 2 से बड़ा रख कर देख लो, 2 से बड़ा, 2 के बाद 3 इधर ही ना आएगा, ये प्लस इनफाइनाइट ही, ये माइनस इनफाइनाइट, 2 के बाद 3 इधर ही कहीं तो आएगा, तो यहाँ पे x की जगह पर आप 3 रख के देखो, तो x बराबर अगर 3 रख रहे हैं, x बराबर 3 रख रहे हैं, क्या आ रहा, x बराबर 3 रखने पर यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6, 6 में से 4 घटाओगे कितना आएगा 2, प्लस में आएगा, तो x बराबर 3 रखने पर यानी कि 3 रखने पर प्लस, यानी 3 किधर आएगा 2 के बाद, तो इधर प्लस आ रहा है, ठीक है। अब x का एक बार 2 से कम रख के देखो, 2 से कम यानी 1 रख लो, तो x बराबर 1 रखेंगे तो 2 माइनस 4 माइनस आ गया, इधर माइनस, ठीक है, इधर प्लस इधर माइनस। तो हमने कहा क्या, जहां f डैश x का मान ग्रेटर देन 0 आएगा यानी कि जहां प्लस में आएगा वही उसी अंतराल में ये क्या होगा, उसी अंतराल में ये हमारा क्या होगा, वर्धमान है। तो जीरो को छोड़कर, जीरो पर अगर देखे दो पे देखा जाए, दो दूनी चार, चार माइनस चार जीरो आ जा रहा है, ठीक है, जीरो आ जा रहा है, लेकिन हमें चाहिए ग्रेटर देन जीरो, क्या चाहिए ग्रेटर देन जीरो। तो वर्धमान के लिए वर्धमान कहां से कहां तक, दो से इन्फिनिटी तक, और ह्रासमान माइनस इन्फिनिटी से दो तक, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से दो तक, ठीक है, तो ये आपका निकल कर आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप अंतराल निकालेंगे, क्या करेंगे, अंतराल निकालने के लिए आप एक काम करेंगे कि जो दिया गया क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे, यानी x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद dy by dx बराबर 0 कर देंगे, dy by dx बराबर 0 कर देंगे, यानी ये जो मान आएगा इसको 0 के बराबर कर लेंगे। तो जब 0 के बराबर करोगे तो आपका चाहे रैखिक समीकरण बने, चाहे द्विघात बने, चाहे त्रिघात समीकरण बने, ठीक है, चाहे जो समीकरण बने, जो भी समीकरण बन रहा है उस समीकरण से x का मान निकाल लेंगे, यानी कि उसके मूल निकाल लेंगे, ठीक है। द्विघात बनेगा तो x का 2 मान आएगा, 3 घात बनेगा तो x का 3 मान आएगा, 4 घात बनेगा तो x का 4 मान आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकालने के बाद x के जो मान निकाले हो उसको नंबर लाइन पर आप दिखा दीजिए।
तो नंबर लाइन पर जो मान है, एक बार मान से थोड़ा ज्यादा एक बार मान से थोड़ा कम रखकर देखिए कि इसका मान प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। तो ज्यादा रखने पर प्लस आ रहा था, यानी इस तरफ जाएंगे तो प्लस आएगा, इस तरफ जाएंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। तो इधर ह्रासमान हो रहा है, तो ह्रासमान कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से यहां तक आ रहे हैं तो ह्रासमान हो रहा है, और यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वर्धमान हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अंतराल आ गया, ठीक। आई होप आप सभी को यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब कल एक और क्लास लेंगे, इस एक और क्लास में ये पूरा चैप्टर आपका खत्म कर देंगे, ठीक है। यानी इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं, कल उन सभी एक्सरसाइज को पूरा एक साथ खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी बच्चे को नहीं समझ में आया होगा, वो सबसे पहले पार्ट वन वाला वीडियो देख लेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर जो इसका पार्ट वन था 6.2 का जो, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। उसमें काफी कुछ मैंने बेसिक बताया, अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो सारी चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर आगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।